एक हजार करोड़ रुपए तो मतलब हम फ्रेंड के पास गए, उसका पूरा इन्होंने एक साल इस्तेमाल किया, दो साल और इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब छात्रों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, और एक वो छात्र कैसे आता है, हम लोगों ने आर टी आई वगैरह बहुत सारे लोगों ने दिए, आर टी आई से सब चीज़ें जानकारी हुई है, कुछ इन्होंने वो सब अपने अपने तरीके से किए, ज्ञापन दिए, ट्वीट किए, उसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी कुछ दिए कि इतने फॉर्म आए, इतने फॉर्म नहीं आए, तो उन सब के आधार पर ये आंकड़े लोगों को पता होता है कि पौने 3 करोड़ फॉर्म है, तो 500 की मल्टीप्लाई करना फिर आसान हो सकता है। अब कोई इसके बारे में उठाने वाला नहीं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं, क्या बेरोजगारी है कहाँ पर है, कोई बेरोजगारी से भी छोड़ देते हैं। हमारा उद्देश्य सिंपल इतना सा, भाई ये लोग फॉर्म भरते हैं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे, तो आप एक निश्चित समय में सहूलत, अभी आपने 2 साल और बढ़ा दिया, जबकि उसमें ऐसा क्या है कि 1 साल आपने लगाया, जबकि आप उस एग्ज़ाम को इतने ही लगभग फॉर्म को आप लोग पहले हैंडल कर चुके हो 2018 में। अब इसमें इन लोगों की मंशा पे सब है, और ये लोग कराएंगे कब कराएंगे उसमें कोई सबूत नहीं है। चलो अब इन्होंने इतना होने के बावजूद आज इन्होंने ECA जारी की, हम लोगों ने पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, हम लोगों ने इनसे कहा था कि और 2 तारीख तक अगर आप कुछ कर देते हैं तो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी एक ऐसा कीजिए कि विश्वास हो। अब 2 करोड़ मतलब 2 साल और आप उस चीज़ को बढ़ा देंगे,